पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वो भूतिया हाथ राधा को अपने साथ कमरे के अंदर ले जाता है। अरे ये तो राधा की आवाज है, मुझे लगता है कि वो मुसीबत में है, मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर मोहन उसे देखने के लिए कमरे की ओर जाता है। फिर मोहन वहां जाकर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे राधा नजर नहीं आती। लेकिन जब वो नीचे देखता है तो उसे उसका जूता नजर आता है, जिसको वो अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है, अरे ये तो राधा का जूता है। लेकिन राधा कहाँ है? वो तो इस कमरे में भी नहीं जा सकती, इस कमरे को तो बाहर से ताला लगा हुआ है। आखिर वो कहाँ चली गई? अरे भैया, आप यहाँ पर आधी रात को क्या कर रहे हैं? और मुझे अभी राधा की चीख की आवाज आई, सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं बहन, राधा मुझसे कह रही थी कि उसको डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे उसकी चीख की आवाज़ सुनाई दी और जब मैं यहाँ आया तो मुझे राधा कहीं नहीं नजर आई, लेकिन मुझे उसका ये जूता मिला है। अरे क्या हुआ, मुझे अभी राधा की चीख की आवाज़ सुनाई दी है। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे रीमा, ये तुमने क्या कर दिया? उसने मना भी किया था कि इसे खोलने की कोशिश मत करना, अब तुम्हारी इस गलती की वजह से दो लोगों की जान खतरे में है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन कोई तो हल होगा इन दोनों की जान बचाने का। सुबह मैं मकान मालिक से बात करता हूँ, शायद वो इसका कोई हल बता दें। हमें अभी कुछ करना होगा, मेरी राधा खतरे में है। अरे नहीं भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है, हमें यहाँ पर सब्र से और हिम्मत से काम लेना होगा। अरे पप्पू भाई, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अरे सोनू भाई, क्या हो गया? कहीं तुमने उस ताले को तो नहीं तोड़ दिया? अरे भाई, मेरी पत्नी ने गलती से उस कमरे का ताला तोड़वा दिया है। अरे भाई, मैंने तुम्हें मना किया था कि उस कमरे का ताला नहीं तोड़ना, लेकिन तुमने मेरी सुनी ही नहीं, अब तुम सब मरोगे, मैं तो ये गाँव छोड़ के ही जा रहा हूँ। अरे भाई, इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा ना? अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, मेरी मानो तो ये गांव छोड़कर अभी चले जाओ। अरे भाई, मकान मालिक ने तो मदद करने से साफ इनकार कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? मैंने अपनी राधा की जान बचानी है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरे पास एक तरकीब है। फिर वो रस्सी के पहले सिरे को घर की खिड़की से बांध देता है और दूसरे सिरे को अपने पेट से बांध लेता है और कमरे के सामने खड़ा हो जाता है। अरे सोनू भाई, तैयार रहना, कभी भी दरवाज़ा खुल सकता है। फिर कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर से वही भूतिया हाथ निकलता है और मोहन को अपने साथ अंदर खींचने लगता है कि तभी सोनू वहां पर मशाल लेकर आ जाता है और उस भूतिया हाथ को आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो हाथ जलने लग जाता है और वो मोहन को छोड़कर वापस दरवाजे के अंदर चला जाता है और दरवाजा भी बंद हो जाता है। अरे सोनू भाई, अगर आज टाइम पर आप मेरी जान ना बचाते तो वो भूतिया हाथ मुझे अपने साथ ही अंदर ले जाता। अरे भाई, ये भूतिया हाथ तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये तो रस्सी भी तोड़ने वाला था। तो भाई अब क्या करें, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं एक जादूगर को जानता हूँ, वो शायद हमारी कुछ मदद कर दे। फिर वो जादूगर को बुला लाते हैं, जादूगर अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। फिर कुछ देर के बाद कुंडी खुलती है और इस बार दोनों दरवाजे ही खुल जाते हैं, अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। फिर जादूगर कहता है, चलो बेटा मेरे साथ इस कमरे के अंदर चलो। कमरे में एक चुड़ैल रस्सियों से बंधी हुई छत से लटकी हुई होती है, उसका एक हाथ कटा हुआ होता है। अरे ये तो वही शापित चुड़ैल है जिसे मेरे गुरु ने बंद किया था, लगता है ये चुड़ैल अभी बाज नहीं आई है, इसको सजा देनी ही पड़ेगी। तुम लोगों ने इस कमरे को खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी। जादूगर इससे पूछो, मेरी राधा कहाँ है? ए चुड़ैल बता, इसकी राधा और वो लोहार कहाँ पर है? बता,
नहीं तो तुझे यहीं पर ही जलाकर राख कर दूंगा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि वो दोनों कहाँ हैं। और तांत्रिक, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। जादूगर, इस चुड़ैल को कुछ मत करना। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी राधा मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। बच्चा बहुत समझदार है, देखा जादूगर। बच्चा शांत रहो, मैं इसे जब तक नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जब तक कि मैं उन दोनों का पता नहीं लगा लेता। फिर वो जादूगर अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जादूगर के जादू से उस चुड़ैल के अंदर आग लगना शुरू हो जाती है। ओ, ओ, ए जादूगर, तूने ये क्या कर दिया? मेरा पूरा जिस्म तूने जला दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जादूगर, ये चुड़ैल तो मर रही है, इससे जल्दी पूछो कि वो दोनों कहाँ पर हैं। अगर ये मर गई तो हम उन्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिकर मत करो बच्चा, मुझे पता चल गया है वो कहाँ पर हैं। फिर वो चुड़ैल उधर ही जलकर गायब हो जाती है। लोहार और उसकी पत्नी वापस आ जाते हैं